जब हमने किसी टूथ की ऑर्थोडॉन्टिक मूवमेंट करवानी होती है तो बेसिकली हम उस पर किसी एक साइड से फोर्स लगाते हैं, जो यूजुअली वायर होती है, ब्रैकेट्स के अंदर जो वायर लगा देते हैं, और वो वायर जो है वो टूथ के ऊपर एक पॉइंट पे एक्ट करती है और उसकी डिज़ायर्ड मूवमेंट करवाती है। अब देख लेते हैं कि किस किस तरह की मूवमेंट्स किस किस तरह से हो सकती हैं, उसके मैकेनिक्स क्या होते हैं। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमने रफली सेंटर ऑफ द टूथ में जो क्राउन है वहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगा के वायर लगा दी है, तो और वो वायर फ़र्ज़ करेंगे इस पॉइंट पर टूथ के 50 ग्राम्स फोर्स लगाती है। अब हमें पता है कि तो बेसिकली हमने ये देखना है कि इसकी मूवमेंट किस तरह होगी और कि कौन सी मूवमेंट होगी। अब हमें पता है कि एक चीज़ होती है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, जो टूथ का सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जितनी रूट उसकी बोन के अंदर होती है उसके सेंटर में होता है। तो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जिस पे अगर आप फोर्स लगाएं तो जो जो भी चीज़ होती है वो एज अ होल मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स हम ये कहेंगे कि जो भी आपकी फोर्स सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस में से पास करेगी तो वो बॉडीली मूवमेंट करवाएगी। अब फर्ज़ कर लें ये पेन पड़ा हुआ है एक, इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस रफली इसके सेंटर में है यहाँ पे करके इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस होगा। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे तो ये रफली सारे का सारा उधर जा रहा है, ठीक है, अगर मतलब बिल्कुल फोर्स वहीं पे लगे तो अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस पर फोर्स यहाँ से लगाता हूँ तो ये सारे का सारा उधर नहीं जाएगा, ये बेसिकली रोटेट हो रहा है। तो ऑर्थोडॉन्टिक टर्म्स में इसको कहते हैं कि ये टिप हो रहा है, यानी कि हमने सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से फोर्स हमारी पास नहीं हो रही, उससे किसी कुछ डिस्टेंस दूर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसको जिस तरफ फोर्स लग रही है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो ऑपोजिट साइड है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के ऑपोजिट साइड पे, यानी वो फोर्स मेरी लेफ्ट साइड पे लग रही है तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो लेफ्ट पे जा रहा है, जो ऑपोजिट पार्ट है वो राइट पे जाएगा यानी ऑपोजिट जाएगा। तो बेसिकली ये एक मोमेंट प्रोड्यूस कर देती है, कोई भी फोर्स जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस में से पास नहीं करेगी वो एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। मोमेंट बेसिकली मीन्स के टॉर्क प्रोड्यूस करेगी या रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। अब उसको फाइंड कैसे करना है, फर्स्ट कर लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ले के सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 15 मिलीमीटर्स है, फ़र्ज़ कर। तो हम उसका सिंपल फार्मूला ये है कि मोमेंट फाइंड करने के लिए फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 750 आपका जो मोमेंट है वो बन रहा है ग्राम मिलीमीटर, जिसका आपका यूनिट हो जाएगा। तो ये मोमेंट है जिसने आपके दांत पे इस वक्त 50 ग्राम्स फोर्स यहाँ लग रही है और उस फोर्स के रिजल्ट में 750 ग्राम पर मिलीमीटर बेसिकली आपका मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है जो इस टूथ को इस पॉइंट से इधर रोटेट करवाएगा और इस पॉइंट से इधर रोटेट करवाएगा, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं सिंपल टिपिंग। अब आपने करवानी है फ़र्ज़ करें बॉडीली मूवमेंट, तो बॉडीली मूवमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि या तो आपकी फ़ोर्स डायरेक्टली सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस में से पास करें, जो कि बेसिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये तो रूट जो है रूट का पार्ट है और ये बोन के अंदर पड़ा होता है तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा जो आपके पास तरीका ये है कि ऑब्वियसली फोर्स तो आपने यहीं पे लगानी है तो उसने कोई ना कोई मोमेंट प्रोड्यूस करना ही है, तो आपने बेसिकली ये जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ हुआ है इस तरफ को इसको किसी तरह कैंसिल कर देना। तो उसके पीछे अब दो तीन जो हैं वो समझने तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं थियोरेटिकली। अगर आप बात करें पहला तरीका ये है कि आप पैलेटल साइड पे भी एक अप्लायंस लगा दें रिमूवेबल या फिक्स्ड जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट मोमेंट प्रोड्यूस करे, तो इससे ऑपोजिट मोमेंट प्रोड्यूस करेगी तो इसका मोमेंट कैंसिल हो जाए। अब उसको आपने इससे थोड़े से डिफरेंट डिस्टेंस पर लगाना है, फर्ज़ करें आप इसको यहीं पर लगा देते हैं कि इसका भी डिस्टेंस 15 मिलीमीटर बनता है और ये भी 50 ग्राम ही फोर्स लगा रही है, तो इस फोर्स का भी जो मोमेंट बनेगा फर्ज़ करें इसको M1 कह दें इसको M2 कह दें तो ये भी 750 बन गया, तो 50 ग्राम्स कैंसिल हो गई, मोमेंट मोमेंट से कैंसिल हो गया, टूथ बेसिकली इक्विलिब्रियम में चला गया। अब उसको जो आपने बेसिकली कैंसिल करना है मोमेंट को कैंसिल कर देना है, लेकिन फोर्स आपकी उतनी होनी चाहिए कि डिज़ायर्ड डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट हो। तो आप ये करेंगे कि थोड़े से और ज़्यादा डिस्टेंस पे आप फोर्स लगाएंगे और फोर्स थोड़ी सी कम कर देंगे, डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे फोर्स कम कर देंगे। तो अब उसमें यह है कि आप
जो लगाएंगे इस तरफ अप्लायंस या जो भी होगी ब्रैकेट वगैरह, वो ज़रा डिस्टेंस उसका थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। यानी फ़र्ज़ करें ये 15 mm था ना, तो इस केस में आपका फ़र्ज़ करें आप लगा देते हैं, वो बताता है 37.5 grams की फ़ोर्स लगेगी, यानी M2 जो आपका बनेगा 37.5 gram की फ़ोर्स होगी, और डिस्टेंस आप ज़्यादा करके इतना कर दें कि जब आंसर आए तो 750 ही आए। तो वो बुक में बताता है कि आपने 20 mm पर लगा देना, यानी वो 15 mm पे था तो ये 20 mm पे लगेगा, तो इससे जो आंसर आएगा आपका वो 750 ही आएगा। अब होगा ये कि मोमेंट यहाँ से भी 750 का लग रहा है इस तरफ को, और मोमेंट यहाँ से भी 750 का लग रहा है इस तरफ को, तो इस मोमेंट ने इस मोमेंट को कैंसिल कर दिया, यानी अब टूथ पे रोटेशनल फोर्स कोई नहीं लग रही, लेकिन जो फोर्स वैसे लग रही है वो 50 grams यहाँ से है और 37.5 grams यहाँ से है। तो 50 में से 37.5 grams तो कैंसिल हो गई, बाकी जो 12.5 रह गई वो नेट फोर्स है जो आपके टूथ पे लग रही है, जिसको इधर बॉडीली मूव करवाएगी। लेकिन वो कहता है कि लिंगुअल साइड पे जो आपकी अप्लायंस है वो एक तो बायो कंपैटिबल नहीं है, पेशेंट ऑब्वियसली वो ये नहीं मानेगा नहीं कि दोनों तरफ मेरे अप्लायंस लगा दो। दूसरा ये कि रिमूवेबल अप्लायंस अगर आप लगाते हैं फिक्स्ड की बजाय तो वो हर वक्त फोर्स नहीं लगाएगी, तो उसमें भी आपकी टिपिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर वो कहता है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस ब्रैकेट के ऊपर कोई ऐसी अप्लायंस लगाएं जो यहाँ तक चली जाए, और इसके ऊपर कोई भी मैकेनिक्स आप लगाएं, इलास्टिक लगाएं या स्प्रिंग लगाएं, जो भी लगाना है इसके ऊपर लगाएं, ताकि रफली फोर्स जो है वो यहाँ से चली जाए, यहाँ तक चली जाए, और तो वो बेसिकली आपके सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से पास करेगी और डायरेक्टली बॉडीली मूवमेंट होगी, टिपिंग नहीं होगी। लेकिन वो कहता है कि जब आप इतनी बड़ी अप्लायंस लगाएंगे जिसकी ब्रैकेट के ऊपर से इतनी बड़ी वो एक्सटेंशन जा रही होगी, तो वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी और पेशेंट के लिए भी वो फीजिबल नहीं होंगी। तो फिर करें क्या? अब वो कहता है कि करना आपने ये है इसको बेसिकली काउंटर करने के लिए, फ़र्ज़ कर लें कि ये आपकी ब्रैकेट है, स्लॉट है ये उसकी पूरी, और ये इसके अंदर आपने जो रेक्टेंगुलर वायर है ना वो लगाई हुई है, फ़र्ज़ कर। अब अगर तो हम इसको इसी तरह लगा लेने देते हैं ना, बेसिकली मतलब ये है कि ट्विस्ट नहीं किया हुआ, सीधी सीधी जा रही है उसके अंदर, तो ये ब्रैकेट के किसी हिस्से पे ज़ोर नहीं लगा रही, बेसिकली यहाँ पे आपका लाइगेचर लगा हुआ है। जब इसके ऊपर आप फ़र्ज़ करें पावर चेन लगा के इसको पीछे की तरफ खींचेंगे दांत को, तो ऐसे होगा कि यहाँ पे ये आगे वायर लगेगी और इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, और जो सारे मैकेनिक्स यहाँ पे पड़े हैं वो फॉलो होंगे। अब आपने बेसिकली उसका मोमेंट कैंसिल करने के लिए ये करना है, ये अगर आपकी ब्रैकेट आ रही है तो आपने वायर को थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके लगा देना, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। जब आप वायर को टेढ़ा करके लगाएंगे तो वो इस तरह की बन जाएगी, ठीक हो गया। अब ये दो पॉइंट पे बेसिकली टच कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, ब्रैकेट को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है। फिर भी दो पॉइंट्स पे टच कर रही है तो बेसिकली फोर्स लगा रही है, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ पुश पुल कर रही है तो ये बन गया, और इस पॉइंट को नीचे की तरफ तो ये इधर को टॉर्क बन गया। अब अगर आप इसी टूथ के हिसाब से देख लें तो जो बेसिकली जो फोर्स लग रही है उससे किसी भी अप्लायंस से, जो इनिशियल मोमेंट है जो बेसिकली पीछे की तरफ खींच रहा है उसको, वो इस तरफ को है, ठीक है। यानी जो टूथ का इनिशियल आपका जो फोर्स का मोमेंट है वो इस तरह का था उस टूथ के अकॉर्डिंग, तो वायर को ट्विस्ट करने से इसे ऑपोजिट एक मोमेंट क्रिएट हो गया। अब ये मोमेंट इतना होना चाहिए कि आपके इनिशियल फोर्स का मोमेंट कैंसिल हो जाए, तो ऑब्वियसली ये आपका जो मोमेंट कैलकुलेट करना होता है वो यही है कि F×D कर दें। तो F×D के लिए बेसिकली डिस्टेंस जो आपका है वो बेसिकली दो पॉइंट्स ऑफ फोर्स के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो वो कहता है अगर तो स्लॉट की जो डेप्थ है वो 0.5 mm है तो यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब इसमें कितनी फोर्स लगनी चाहिए कि ये 750 grams mm हो जाए, तो ये इसका आंसर आएगा 1500 लगनी चाहिए। तो अगर आपकी वायर ट्विस्ट करने के बाद 1500 gram फोर्स लगा रही है ब्रैकेट के ऊपर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसकी स्लॉट डेप्थ 0.5 है, तो ये ऑपोजिट मोमेंट जनरेट करेगी 750 grams mm, जो इनिशियल मोमेंट जो फोर्स का लग रहा था उसको कैंसिल कर देगी, और आपकी 50 grams फोर्स जो थी वो सारी की सारी आपकी टूथ के ऊपर लगेगी और टूथ बॉडीली मूव होगा। अब जो सिंपल सी चीज़ है, जो फोर्स आपने पहले लगाई थी उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जो बेसिकली ये 50 grams लग रही थी, और ये जो आपने 1500 grams बेसिकली
लगाई है, या आप कह रहे हैं जो मोमेंट ये बन रहा है इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल, यानी ये ऑपोजिट है इससे, जो ऑपोजिट में मोमेंट लग रहा है वो मोमेंट ऑफ कपल है, जो यहाँ पे 750 ग्राम्स बन रहा था वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, जो यहाँ पे 750 ग्राम्स बना ये मोमेंट ऑफ कपल है। अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम एम सी को एम एफ से डिवाइड करें तो जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मूवमेंट होगी कुछ की। अब फर्ज कर लेते हैं कि इसका आंसर आ रहा है ज़ीरो। ज़ीरो का बेसिकली मतलब है कि आपने मोमेंट ऑफ कपल दिया ही नहीं है, ज़ीरो ओवर 750 समझ लें तो आंसर आया ज़ीरो। तो जब मोमेंट आपने ऑपोजिट कोई टॉर्क कैंसिल करने के लिए कोई चीज़ दी ही नहीं है तो हमें पता है कि सिर्फ टिपिंग फोर्सेस लगेंगी उसके ऊपर, यानी वो सिर्फ टिप होगा। तो बेसिकली एम सी ओवर एम एफ जब ज़ीरो होगा तो टिपिंग होगी। अब फर्ज कर लें एम सी ओवर एम एफ वन आता जो हमारा इस केस में आया, जैसे कि फ़र्ज़ कर लेंगे 750 ग्राम वो थी 750 ग्राम, ये थी आंसर वन आएगा। जब वन आएगा तो इसका मतलब है कि बॉडीली मूवमेंट होगी। फिर फर्ज कर लेते हैं कि एम सी ओवर एम एफ जो आपका आएगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा, यानी ज़ीरो से वन के दरमियान में कोई उसकी वैल्यू आएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने ऑपोजिट जो टॉर्क है वो दिया तो है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि सारी फोर्स जो इनिशियल थी उसके मोमेंट को काउंटर करे, यानी इनिशियली आपकी 750 टॉर्क लग रहा था जो इनिशियल फोर्स थी, फर्ज करें आपने जो काउंटर टॉर्क दिया वो 600 आ रहा था, तो ये 0. समथिंग आपकी वैल्यू आएगी। तो इसको कहते हैं कंट्रोल्ड टिपिंग होगी, यानी ट्रुथ पूरा टिप नहीं करेगा लेकिन इसमें ये होगा बेसिकली कि ये है कंट्रोल्ड टिपिंग। अगर मैं पेन के हवाले से आपको दिखाऊँ कि ये थी टिपिंग, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इधर को जा रहा है, ये टिप हो रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से दोनों तरफ से पकड़ के इस तरह घुमा दूँ और ये ख्याल रखूँ कि जो ये वाला पॉइंट है ये ना हिले, सिर्फ यहाँ से ये इधर हो जाए, तो इसको कहेंगे ये कंट्रोल टिपिंग है, कि रूट वाला पार्ट थोड़ा मूव कर रहा है, ग्राउंड वाला ज़्यादा मूव कर रहा है, इसको कहेंगे कंट्रोल टिपिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि एम सी ओवर एम एफ वन से ज़्यादा आ जाए, यानी जितना आपने टॉर्क अपनी फोर्स का था उससे ज़्यादा आपने ऑपोजिट जनरेट कर दिया, यानी उल्टा टॉर्क आपका ज़्यादा है, तो इसको कहेंगे कि ये टॉर्क हो रहा है, यानी रूट मूव करेगी इसमें ज़्यादा। यानी अब आप ये देखेंगे अगर ये आपका टूथ है तो इस तरफ लगने वाला टॉर्क थोड़ा है, इस तरफ लगने वाला ज़्यादा है, ठीक हो गया, यानी ऑपोजिट टॉर्क ज़्यादा है तो रूट की मूवमेंट इस तरफ हो जाएगी, क्राउन की नहीं होगी, ये होगा बेसिकली, यानी रूट इधर मूव कर जाएगी। फर्ज करना कि इसको मैंने इस तरह मूव करने की बजाय अब इतना ऑपोजिट फोर्स लगाई है कि वो इस तरह मूव होने लग गया, ये हो रहा है बेसिकली टॉर्क के अंदर जब आपने ऑपोजिट जो मोमेंट है वो इनिशियल मोमेंट से ज़्यादा बना दिया। तो ये बेसिकली है कि आपने जो इनिशियल मोमेंट बनाया उसको कैंसिल करेंगे तो आपकी जो टूथ है वो बॉडीली मूव करेगा।